माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, वीरभूमि राजस्थान में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की एक परंपरा रही है, यहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी या दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है, वहीं दूसरी ओर आपको आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो आपके पास इस मिथक को तोड़ने की क्या योजना है, क्या सीक्रेट है आपके पास जो आप इस मिथक को तोड़ दोगे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बार कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बनेगी? सबसे पहले तो ये अपप्रचार है। इसी प्रदेश में स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी ने, भाई सुनो जरा, इसी प्रदेश में स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंटिन्यूअसली बनाई है। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं बनी है, पहले कई बार कांग्रेस की भी सरकारें बार बार बनी है। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर इसको मिथक मान भी लेते हैं तो आज मैं जो युवाओं का उत्साह और जुनून देख रहा हूं, और किसी रणनीति की जरूरत नहीं है, राजस्थान के मेरे युवा भाई और बहनों ही इस मिथक को इस बार चूर चूर करने का काम राजस्थान का युवा ही करेगा। 5 साल के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अरे नारे मत लगाओ भाई, 5 साल तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में हर क्षेत्र के अंदर विकास के रिकॉर्ड तोड़े हैं, और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, हितग्राही, जिसको कुछ न कुछ मिला है, जिनके जीवन में उजास आया है, मोदी सरकार हो या वसुंधरा सरकार, दोनों ने मिलकर राजस्थान के हर घर के अंदर विकास पहुंचाने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है, राजस्थान एक ऐसे प्रदेशों में है जहां भारतीय जनता पार्टी का कैडर सबसे मजबूत है, और इस बार मदन सैनी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरी हमारी संगठन की कैडर एक मुस्त होकर विजय के लिए कटिबद्ध है। इस बारे मिथक को हम तोड़ कर ही रहेंगे, और कोई बड़ी लंबी रणनीति की जरूरत इसमें नहीं है। क्या बात है। सो अगला सवाल लाइव फीड से हमारे जोधपुर संभाग से हमारे पास आया है, तो मैं चाहूंगी कि लाइव फीड से स्क्रीन पर कनेक्शन दिया जाए प्लीज। जोधपुर संभाग से लाइव हमारा सवाल। माननीय अध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार। मैं जोधपुर से सुरभि बोराना, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, राजस्थान शूरवीरों की धरती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ भारी तादाद में युवा सुरक्षा बल में जाते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना आपकी सरकार ने लागू की है, तो इन पर सेना कर्मियों की अंत से जुड़े भागों में इनसे मांगों को लेके, अन्य मांगों को लेके आपकी क्या राय? देखिए, जहां तक सेना के जवानों का सवाल है, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से और आज तक भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा पहुंची है, इसमें शुरू से हम देश के लिए बर्फीली चोटियों पर और राजस्थान के रेगिस्तान में अपनी जवानी को गलाने वाले सेना के जवानों के प्रति हृदय से सम्मान और उनके प्रति सब कुछ कर छूटने की भावना रखने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद तुरंत ही 70 साल से सेना के जवान मांगते थे कि वन रैंक वन पेंशन उनको मिले, मगर कांग्रेस ने सिर्फ 500 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन के लिए रिजर्व कर उनकी मजाक उड़ाई थी, सेना के जवानों की मजाक उड़ाई थी, जबकि प्रति साल 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 500 रुपया रिजर्व किया और वो भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार आने के साथ ही एक ही साल के अंदर हमने सेना के जवानों को 8,800 करोड़ का वन रैंक वन पेंशन देने का काम हमने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही उनके लिए आधुनिक हथियार, बख्तर को यहाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ, आधुनिक से आधुनिक संचार व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था में सुधार करना,
उनके भोजन के भत्तों में बढ़ोतरी करना, उनके परिवार की व्यवस्था के लिए जितने भी मानांक थे सबको लगभग दो गुना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो एक जवान बर्फीली चोटियों पर खड़ा रहता है -46 डिग्री में या 46 डिग्री में रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा रहता है, उसको उसके परिवार की चिंता न करनी पड़े, इस प्रकार की सभी व्यवस्था करने के लिए हम कटिबद्ध है। और अभी भी सेना के जवानों की जितनी भी डिमांड आएगी वो सबको संवेदनापूर्ण तरीके से हल करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए श्री नरेंद्र मोदी स्वयं चिंतित होते हैं, हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन भी चिंतित होती है, और हम इस दिशा में बहुत संवेदनशीलता के लिए साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम मानते हैं देश में विकास तभी संभव है जब देश की सीमाओं पर चौकी करने वाले हमारे सेनानी चौक चौबंद है, उनका हौसला बुलंद है, उनके परिवारों की सुरक्षा है, तो हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए, एंड थैंक यू सो मच। जोधपुर संभाग से था ये क्वेश्चन। अगले संभाग की तरफ हम लोग मुड़ेंगे, भीलवाड़ा अजमेर संभाग से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, ये सवाल, भीलवाड़ा अजमेर संभाग से अपना सवाल पूछिए अपने नाम के साथ। पूछो भैया, अरे ये आवाज, बैठ जाओ, सर दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, वंदे मातरम, जय श्री राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, परम सम्मान्य आपको प्रणाम। मैं नंदलाल गुजर, मेरे यहाँ मावार मिठाई का व्यवसाय है भीलवाड़ा में। मेरा एक सवाल था आपसे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सुनवाई टाल दी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रतिबद्ध है? अगर प्रतिबद्ध है तो उसके लिए संवैधानिक रूप से क्या कार्रवाई की जा रही? धन्यवाद। युवा मित्रों, अरे भैया आवाज सुनो, मेरा जवाब सुनकर जय श्री राम बोलो भैया। सबसे पहले मैं क्लैरिटी कर दूं कि अयोध्या में जहां राम लल्ला विराजमान है वही स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, और ये हमारा देश की जनता को वादा है। इसमें एक इंच भी वापिस आने का कोई सवाल ही नहीं। सुनो भैया, जरा सुनो, परंतु केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब केस की सुनवाई शुरू हुई, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने दरख्वास्त करी कि केस की सुनवाई 2019 के बाद हो जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकीलों ने दृढ़ता के साथ कहा था कि ये केस देश का सबसे पुराना केस है, इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लोकसभा में हमने रखा है कि हम इसका न्यायिक समाधान चाहते हैं, और वहां पर जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनाना चाहते हैं। जनवरी में इसकी डेट है, मुझे पूरी आशा है कि राम जन्मभूमि केस जल्दी चलेगा और परिणाम के बाद वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी, मैं इतनी स्पष्टता करना जरूर चाहता हूं कि अपने वचन से कभी एक इंच भी पीछे नहीं जा सकती। वहीं पर उसी स्थान पर डिजाइन के हिसाब से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन, कोई कार्यकर्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए, एंड भीलवाड़ा अजमेर संभाग से था ये जवाब। अगला जो प्रश्न है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत सरकार में ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से ये प्रश्न हमारे सामने आया है, तो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर ये वीडियो श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, जरा सुनो भैया, कृपया शांति बनाए रखें। वर्ष 2018 में भारत के छोटे छोटे गांव से हमारी बेटियों और बेटों ने विश्व के बड़े बड़े पदक जीते।
राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स में इतिहास रचा। भारत को कैसे और आगे बढ़ाएं खेलों में, राजस्थान के सभी नौजवान आपसे जानना चाहते हैं। अब जो काम राज्यवर्धन जी ने करना है उसका सवाल वो मुझे पूछ रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे कि 125 करोड़ की जनता में से ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़े कि ओलंपिक के तालिका में हमारा नाम 1, 2, 3 के अंदर हो और इसकी कार्य योजना बनकर हम आगे बढ़े। खेलो इंडिया हो, सारे खेल संगठनों के अंदर ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोच का भत्ता बढ़ाने की बात हो, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात हो, अच्छे स्टेडियम बनाने की बात हो, सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजी के साथ सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और लगभग 1700 करोड़ रुपया सालाना कांग्रेस सरकार से ज्यादा हम खेलों के पीछे खर्च कर रहे हैं, 1700 करोड़ रुपया। और अभी खेलो इंडिया के तहत देश भर के तहसील से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लाखों खिलाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा दिया और परिणाम आ भी रहा है। चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो, चाहे ओलंपिक हो, सब जगह पे अपने खिलाड़ियों की तैयारी जिस प्रकार की है, मुझे लगता है 5-7 साल के अंदर 125 करोड़ की जनता का सम्मान रहे, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के खिलाड़ियों की स्थिति बनेगी और हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। सिलेक्शन के अंदर जो पक्षपात होता था इसको निरस्त करने का काम किया है, इंटरनेशनल कक्षा की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराए गए हैं और खिलाड़ियों को और कोई काम न करते हुए भी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, इस प्रकार की इनकी माली हालत की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अब केवल क्रिकेट के अंदर नहीं, बहुत सारे खेलों के अंदर, हॉकी में भी हम पुराना दबदबा आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा पाए हैं और बहुत सारे खेलों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2025 की वर्ष आते आते हम खेलों के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की तालिका में निश्चित आएंगे और हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो भी बताता है कि ये स्थान हमारे लिए कठिन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस जवाब के लिए और ये एक ऐतिहासिक पल है हम सभी के लिए, बिकॉज जयपुर समेत हमारे 6 संभाग इस टाइम हमारे साथ लाइव फीड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न जो आ रहा है वो हमारे भरतपुर संभाग से आ रहा है। कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज? भरतपुर संभाग, पूछो भैया, सुनाई पड़ता है अब। ओ ग्रीन शर्ट, पूछिए भैया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा प्रणाम, चरण वंदन। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा, दांदेड़ा कामा भरतपुर का निवासी हूं। भाजपा को युवाओं द्वारा समर्थित पार्टी माना जाता है। आपने वंशवादी राजनीति परंपराओं को समाप्त किया है देश में से और आगामी राजस्थान चुनाव को देखते हुए युवाओं के लिए आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है और युवा आपकी पार्टी का क्यों वोट करें? धन्यवाद। देखिए, जहां तक राजनीति में वंशवाद का सवाल है, उसका एक सबसे खराब उदाहरण हमने अभी राजस्थान के ही कोई कांग्रेस के प्रत्याशी का देखा था। वो प्रत्याशी पर्चा डालने जा रहे थे, इनके साथ खड़े होकर कोई कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलते थे, तो भारत माता बोलते ही प्रत्याशी ने उनको रोक लिया, कान में कुछ कहा, बाद में वो सोनिया गांधी की जय बोलने लगी। अब इसके ज्यादा वंशवाद की राजनीति का इससे ज्यादा खराब परिणाम क्या हो सकता है, ये किसी को कहने की जरूरत। जिन लोगों को भारत माता की जय बोलने के अंदर हिचकिचाहट होती है, उनको इस धरती का अन्न खाने का कोई अधिकार नहीं।
अरे हम तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर देह में प्राण नहीं रहा और आसपास में कोई भारत माता की बोल गया तो दो क्षण प्राण वापिस आकर भी हाथ उठाकर जय का नारा लगाए, ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। और इन भारत माता की जय बोलने में शर्म आती, उनकी नेता का जय बोलने के लिए भारत माता की जय बंद करवाते। मित्रों, इससे खराब उदाहरण वंशवाद की पॉलिटिक्स का कोई हो नहीं सकता। और आपने पूछा युवाओं के लिए है, मैं मानता हूं देश की राजनीति में जब तक वंशवाद है, जिसमें संभावनाएं पड़ी है, पोटेंशियल पड़ा है, वो युवाओं का कोई कुछ हो ही नहीं सकता, उनको मौका नहीं मिल सकता। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे गरीब से गरीब परिवार में जन्मे हुए चाय बेचने वाले बेटे को देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी में संभव है क्या? आज पोस्टर लगाने वाला एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठा है, कांग्रेस में संभव है क्या? जब तक एक परिवार में जन्म नहीं लेते आप कुछ बन ही नहीं सकते। और युवाओं के लिए इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, काम हमारे हाथ में है, प्रतिभा हमारे हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है, देश के प्रति सिद्धांतों के प्रति निष्ठा हमारे हाथ में। ये सब का कोई मोल न होते हुए सिर्फ जन्म के आधार पर राजनीति करेंगे। और मैं देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को कहना चाहता हूं, जिस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो देश के लोकतंत्र को कैसे बचा सकती है? जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है वो पार्टी देश की डेमोक्रेसी को नहीं बचा सकती। और इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस को राजस्थान में इतनी करारी हार दीजिए कि परिणाम के दिन टीवी देखकर कांग्रेस के नेताओं के दिल दहल जाए। इस प्रकार का करारी हार देने का युवाओं ने निश्चय करना। सर, आपकी इस बात पे हम साथ में, सब साथ में मिलकर एक बार जरूर कहेंगे भारत माता की। और हजारों युवा इस टाइम जो हमारे साथ इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इन्होंने हमारे तरफ आपके लिए बहुत सारे प्रश्न रखे हैं। तो अभी फिलहाल जयपुर से ऑडिटोरियम में मौजूद, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कीर्ति राज शेखावत जी, आप जहां पर भी हैं प्लीज खड़े हो जाएं, आप तक माइक पहुंचा दिया जाएगा। कीर्ति राज शेखावत। सर, मेरा नाम कीर्तिराज शेखावत, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से लॉ का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आतंकवाद पिछले 4 दशक से देश में बहुत बड़ी चुनौती रहा है। हमारा जयपुर शहर भी 2008 के बॉम्ब धमाकों को अभी तक झेल रहा है, दर्द अभी भी है। सर, आपकी सरकार या प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कदम उठाए जो हम दावा, आप मतलब दावा कैसे करें कि भारत देश हर तरह के आतंकवाद, चाहे वो नक्सली हो, कश्मीरी हो या पूर्वोत्तर हो, से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। मित्रों, आतंकवाद की मानसिकता और आतंकवादियों को हम नहीं रोक सकते, परंतु सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखकर उनको क्रश करने का काम जरूर कर सकती है। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप अंतिम 10 साल कांग्रेस के थे और ये 5 साल का हिसाब किताब करिए, कितने बम धमाके हुए, कितनी घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। और 90 से लेकर आज तक कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी कोई एक 5 साल में मारे गए हैं, कोई एक 5 साल में इनके मृत्यु के शरण हुए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 19 भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम चलते हैं। हमारे लिए एपीसमेंट से वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारे लिए हमारे सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता है। हमने हमेशा आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है, इसीलिए आज देश की इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हुई है और देश सुरक्षा के साथ चैन की सांस ले रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। और अब लाइव फीड से हम लोग कनेक्ट करेंगे दालोद प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग से। दालोद प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग से
और ये किसी कारण से अभी फिलहाल हमारे पास कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जयपुर में ऑडिटोरियम में फिलहाल हमारे बीच बैठे हैं अमित यादव जी। अमित यादव जी, आप जहां कहीं भी हैं, आप तक माइक पहुंचा दिया जाएगा और आपका सवाल। माननीय अध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष जी, मैं अमित यादव राजस्थान के जयपुर जिले के पावटा तहसील निवासी हूं और राजस्थान विश्वविद्यालय के लोका छात्र हूं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है आपसे कि GST को लेकर कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दल 2 साल बाद भी आपको घेरते हैं, तो अध्यक्ष जी, राजनीति से हटकर आप इस कदम पर निष्कर्ष मूल्यांकन कैसे करते हैं? अध्यक्ष जी, ध्यान में आ गया, बैठ जाओ। मित्रों, GST के सवाल पर कांग्रेस हमें घेर रही है, ऐसा यादव जी कह रहे हैं मुझे। मैं एक बात जयपुर के युवा और राजस्थान की पूरी जनता को पूछना चाहता हूं। GST लाने से नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत क्या फायदा होगा? कुछ हो सकता है? बताओ भाई मुझे, GST किसके कहां जाने वाला है? देश की तिजोरी में जाने वाले हैं। और GST में दाम घटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत पांच महीनों में अच्छे तरीके से किया है, और लगभग पहले से कम दामों पर हर चीज GST हो गई है, एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स बढ़कर। एक प्रयास है देश की अर्थनीति को गति देने का, एक प्रयास है देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने का। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं है, ये बात निश्चित है। मैं छोटे व्यापारियों की, छोटे उद्योगों की शुरुआत में जो तकलीफ हुई है, इसके साथ संवेदना के साथ खड़ा हूं। उनको तकलीफ जरूर पड़ी है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये तकलीफ मलेरिया जब होता है तब क्विनाइन की गोली जैसी है। आने वाले दिनों में जो व्यापार के अंदर सुधार होने वाला है, ये नीचे से नीचे छोटे से छोटे व्यापारी को एक समान तक देने का काम करेगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं है, हमारा तो नुकसान ही है। आपके सवाल झेलने पड़ते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते बताओ भैया, सवाल झेलने पड़ते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी ऐसे फैसले नहीं किए जो लोगों को अच्छे लगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी हमने ऐसे फैसले नहीं लिए हैं जो लोगों को अच्छे लगे, हमने ऐसे फैसले लिए हैं जो लोगों के लिए अच्छे हो, ऐसे फैसले लेने का काम। और वसुंधरा जी लेकर आई थी मार्बल वालों का समस्या, तुरंत अरुण जेटली और प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का निवारण करा। व्यापारियों की 25 चीजें लेकर आई थी, सारी चीजों का हमने निवारण करा है। आंख खुली है कान खुले हैं, मन में संवेदना है, समस्या रहेगी ही नहीं। मगर जब इतना बड़ा परिवर्तन करने जाते हैं और शुरुआती दिक्कतें, टीचिंग प्रॉब्लम आती है, उसको झेलने का मन हमने भी बनाना पड़ेगा भैया। देश को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा। परंतु मैं बड़ी विनम्रता के साथ राजस्थान के नागरिकों को बताना चाहता हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं है भैया। हमने आप पर भरोसा किया है कि हम देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, थोड़ी तकलीफ शुरुआत की पड़ेगी, आप हमें माफ कर दोगे। स्पिरिट के साथ हमने कदम उठाया और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको तकलीफ पड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं, हम संवेदना के साथ खड़े, एक एक कर सारे सुधार भी कर रहे हैं, मगर देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। ये गब्बर सिंह टैक्स और सारी चीजें कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं गब्बर सिंह टैक्स? एक डाकू के साथ, एक लुटेरे के साथ इसकी कंपैरिजन करते हैं? ये किसी के खजाने में जा रहा है क्या? ये देश के खजाने में जा रहा है, किसी के घर में लाइट बनकर जा रहा है, किसी बच्चे की पढ़ाई हो रही है, किसी के घर में गैस का चूल्हा बनकर जा रहा है, किसी के घर के अंदर टॉयलेट बनकर जा रहा है और उसको सुविधापूर्ण जीवन देने का काम कर रहा है। और ये शुरुआत दिक्कत हुई है, इसके लिए मैं आप सभी से संवेदना से इतनी बात करना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं है। हमने केवल और केवल देश के भले के लिए निर्णय करा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हम सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ रही है और दुनिया की 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था भी हम बन चुके हैं। तो ये दिक्कत को आप सहन करेंगे, साथ देंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर. अभी फिलहाल लाइव फीड के थ्रू कोटा संभाग से हमारे पास एक प्रश्न आने वाला है, तो कोटा संभाग से कनेक्शन बनाया जाए. आपका नाम और आपका सवाल. बहुत धन्यवाद. आपका सवाल माननीय, आपका सवाल कोटा संभाग से. माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदय जी, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार. मैं सूरज सिंह कोटा यूनिवर्सिटी से MSW का छात्र हूं और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं. आपसे वो यह है कि राजस्थान में हाल ही में युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपनी शिक्षा पूरी करी है और ऐसे कई युवा हैं जो आने वाले समय में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले हैं. तो बढ़ती हुई GDP के साथ ऐसे युवाओं को एक अच्छा और सार्थक रोजगार दिलाने के लिए भाजपा के पास क्या योजनाएं हैं, इसी के विषय में हम जानना चाहते हैं. धन्यवाद भैया, अच्छा किया है सवाल पूछ लिया है. राहुल बाबा का सवाल है, तुमने राहुल बाबा का सवाल पूछ लिया, अब राहुल बाबा सुन भी ले जरा जवाब को. मित्रों, जहां तक युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये भावनाओं से नहीं सुधरने वाला है, ना ये भाषणों से सुधरने वाला है, ये देश के अर्थतंत्र के विकास से ही सुधरने वाला है. अटल जी की सरकार थी, 8.8% विकास दर छोड़कर गए थे. अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह आए, 4.4% पर छोड़कर गए, और चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी आया, फिर से 8.3% पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार. इसका मतलब है कांग्रेस आती है तो विकास दर नीचे जाती है, भाजपा आती है तो विकास दर ऊपर जाती है. और ये हमें पूछ रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. 2.5 गुना रोड बने, रोजगारी किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी बताओ भाई. इंजीनियर चाहिए या नहीं चाहिए, मजदूर चाहिए या नहीं चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए या नहीं चाहिए, कंपनी के अंदर अकाउंट लिखने वाले चाहिए या नहीं चाहिए. 2 गुना स्पीड से रेलवे बढ़ी है, रोजगारी मिलेगी या नहीं मिलेगी. 8.3% विकास दर हो गया, औद्योगिक विकास दर में वृद्धि हुई है, रोजगारी मिलेगी या नहीं मिलेगी. देश में 8 करोड़ शौचालय बनाए, इसका सुपरवाइजर, इंजीनियर, कड़िया, उसका सुथार, ये चाहिए या नहीं चाहिए. रोजगारी जहां तक मिलने का सवाल है, वो देश के अर्थतंत्र की गति देकर ही मिल सकती है. और मोदी जी ने एक काम सुपेरे अच्छे तरीके से गुजरात में भी किया है और यहां पर भी सफलता के साथ 5 साल के अंदर किया है. और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कर सारे युवाओं की स्किल को डेवलप कर रोजगारी के लिए लायक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया. स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप योजना, ये सारी चीजें से देश के अलग अलग क्षमता वाले युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है. और स्टार्टअप के माध्यम से देश की तकनीक के अंदर आगे जो युवा हैं, तकनीक के अंदर क्षमता रखते हैं, ऐसे युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच देने का, प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे देश का युवा विश्व के युवा के साथ स्पर्धा कर सके और विश्व भर की संपत्ति को भारत में लाने का काम कर सके. और यही एक रास्ता है देश के युवाओं को अच्छे तरीके से इनके भविष्य को संवारने का. कांग्रेस के समय के अंदर नारे लगे, काम नहीं हुए. और जो मैं आंकड़े बोल रहा हूं, ये सारे भारत सरकार की साइट पर पड़े हैं, कांग्रेस की साइट पर भी पड़े हैं. उन्होंने 4.4% के विकास दर अपनी साइट पर रखा है, देख लीजिए, उनको वो उपलब्धि मानते हैं. और 4.4% उपलब्धि है तो वो उपलब्धि उनको मुबारक हो, हमें संतोष नहीं है. हम 8.3% तक ले गए हैं, अभी और आगे ले जाने. और ये जो गठबंधन 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 करते हैं, अभी मायावती जी ने कहा कि देश में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए. उनको मजबूर सरकार चाहिए, हमें मजबूत सरकार चाहिए जो देश का विकास कर सके. और मैं मानता हूं राजस्थान का युवा मजबूत सरकार के साथ रहेगा, मजबूर सरकार का समर्थन नहीं करेगा. राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन मजबूर सरकार चलता है, जो सरकार मजबूर हो वो कैसे देश का विकास कर सके. हम चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने जो राजस्थान और देश के विकास के लिए आगे बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं के भविष्य को आगे ले जा सके.